प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। हार के बाद कांग्रेस नेताओं के आरोप प्रत्यारोप पर पार्टी सख्त, दी बयानबाजी से परहेज करने की चेतावनी। विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत के बाद अब होगी भाजपा की पहली परीक्षा, रूपरेखा तैयार करने में जुटी पार्टी। होली पर यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के लिए फैसला, घट जाएगी दिल्ली आने जाने वालों की दूरी। चुनाव के बाद भी पेट्रोल डीजल पर राहत जारी। उत्तराखंड में हर कोई रहा बेहाल, 4 लाख से ज्यादा लोग आए चपेट में, 7689 की गई जान कोरोना से। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड खबरों की। खबर कलियर से है, जहां तीसरी बार जीत दर्ज करने के बाद भगवानपुर विधायक ममता राकेश ने अपने समर्थकों के साथ दरगाह साबिर पार्क में चादर फूल पेश कर खुशहाली की दुआ मांगी। इस दौरान विधायक ममता राकेश ने कहा कि जनता के आशीर्वाद से लगातार तीसरी बार जीत दर्ज की पाई है। आगे उन्होंने कहा कि जीत भी बचे हुए विकास कार्य हैं, उनका इस बार पूरा कराया जाएगा। विजय मिली और इसमें हमने अपने सभी मुख्य कार्यकर्ताओं के साथ में, कांग्रेस के सभी जिम्मेदार साथियों के साथ में चादर पोशी की है और हमने अमन चैन की दुआ मांगी है कि साबिर पार्क की रानी दरगाह से कि इस पूरे मुल्क में अमन चैन रहे, सब शांति व्यवस्था के साथ में रहे और अमन की तरक्की हो और सब पे अपनी दुआओं। निश्चित रूप से जनहित से जुड़े मुद्दे, जनता की समस्याएं हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में और सड़कें जो पिछले 5 सालों में जर्जर हो चुकी हैं, गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं, उनके लिए और पेयजल को सुचारू रूप से चालू कराने के लिए मुख्य कार्य करेंगे। खबर धनौरी से है, जहां रुड़की क्षेत्राधिकारी विवेक कुमार ने कलियर थाना प्रभारी धर्मेंद्र राठी, धनौरी चौकी प्रभारी नरेश कुमार के साथ पुलिस चौकी में ग्रामीणों के साथ बैठक की, जिसमें होली के त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने के लिए उन्होंने ग्रामीणों से अपील की। साथ ही उन्होंने युवाओं में बढ़ती नशे की लत को रोकने के लिए भी जागरूक किया। इस दौरान उन्होंने कहा, होली के त्योहार में अधिकतर नशे का उपयोग किया जाता है, जिससे समाज में दुष्प्रचार बढ़ता है। होली के त्योहार पर कोई भी हुड़दंग नहीं मचाएं और ऐसा करने वालों के खिलाफ पुलिस द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। सीएलजी मेंबर्स की हमने मीटिंग यहाँ पे धनौरी चौकी अंतर्गत बुलाई है। इसमें जो आगामी होली पर्व आने वाला है, इसको लेकर एक तरह शांति व्यवस्था कैसे इलाके में कायम रहे, तो लोगों से अपील की गई है कि कोई भी झगड़ा या कोई भी बात होती है तो तत्काल पुलिस को इसकी सूचना दें और क्षेत्र में शांति बनाए रखें और अमन और खुलूस से इस त्यौहार को मनाएं। जो भी इसमें हुड़दंगबाजी करेंगे, बिल्कुल हमारी ड्यूटियाँ, ड्यूटी चार्ट इसमें लगेगा जो हमेशा की सालों की तरह, और जो हुड़दंगबाजी करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मसूरी में 144 करोड़ की यमुना मसूरी पंपिंग योजना का काम शुरू होने से सभी सड़कें जल निगम ने खोद दी हैं, जिससे शहर में हर जगह जाम की स्थिति पैदा हो रही है। वहीं जल निगम की ओर से सड़क को खोदने से सड़कों पर धूल हो रही है, जिससे व्यापारियों के साथ मसूरी घूमने आ रहे पर्यटकों को भी जाम और धूल का सामना करना पड़ रहा है। नगर पालिका सभासदनों ग्रीन चौक पर जल निगम की ओर से हो रहे काम का बहिष्कार कर भाजपा सरकार और जल निगम के अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारे लगाए गए। अकेडमी की तरफ चले जाओ, मॉडर्न स्कूल की तरफ चले जाओ, कहीं भी किसी भी क्षेत्र में बालूगंज, जड़ी पानी, सब जगह इन्होंने रोड खोद रखी है और कहीं भी ये रोड को कंप्लीट करने का काम इन्होंने नहीं कराया। माल रोड की बात थी, हमने इनको कहा कि 31 तारीख तक आप जो है माल रोड को कंप्लीट करोगे
और जो इनका काम करने का तरीका दिख रहा है, ये हमें नहीं लगता कि 31 तारीख तक ये माल रोड को कंप्लीट कर पाएंगे। तो टोटल इनका जो काम करने का तरीका है वो यहाँ पे गलत है और इसका हम विरोध करेंगे। सारे दुकानदार परेशान हैं, स्कूल के जो बच्चे हमारे स्कूल खुल गए हैं, कैसे करके लोग बच्चों को स्कूल ले जा रहे हैं, इसलिए सारे बच्चे परेशान, गार्जियन परेशान। तो ये हम होने नहीं देंगे, इनको बिल्कुल हम यहाँ पे रोकेंगे और आगे काम तभी करने देंगे जब तक यहाँ पूरी कंप्लीट रोड ये नहीं बनाते हैं। आज भी देखिए आप, इन्होंने कंपनी बाग अगर खोदा है, सड़क बन गई, पानी की लाइन डल गई, तो आप सड़क क्यों नहीं बना रहे? मॉडर्न स्कूल पे आप देखिए 1.5 महीने से सड़क जो है पानी डाल रखा है इन्होंने, और वो लाइन डली हुई है पर वो भी नहीं बनाई। फिर इन्होंने किंग रेड की रोड देख लीजिए, वहाँ लाइन डल गई, तो रोड क्यों नहीं बना रहे? खोद खोद के छोड़ते जा रहे हैं, क्या घोटाला समझ में नहीं आ रहा। हम चाहते हैं कि ये काम व्यवस्थित ढंग से हो। अगर ये 100 मीटर रोड खोदते हैं, 100 मीटर कंप्लीट होनी चाहिए। पानी का छिड़काव करिए, रोड रोलर चलाइए, सड़क बैठने का इंतजार कर रहे हैं तो रोड रोलर से बिठाओ। अब ये थोड़ी बारिश आएगी और अब सड़क बिठाएंगे, तब तक इंतजार करेंगे, और साथ साथ सड़क बनाते जाएं साथ साथ, क्योंकि इस कदर पूरे शहर में। कोरोना संक्रमण से लड़ाई के क्रम में राज्य में 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के टीकाकरण के लिए स्वास्थ्य विभाग ने तैयारी पूरी कर ली है। इसके लिए राज्य को कार्बोवैक्स वैक्सीन की 4,01,400 खुराक मिल गई है। इस वैक्सीन को जिले को वितरित भी कर दिया गया है। आज टीकाकरण को लेकर केंद्र सरकार के साथ राज्यों की बैठक भी होनी है। इस आयु वर्ग में टीकाकरण का असल लक्ष्य केंद्र की विस्तृत गाइडलाइंस के बाद ही तय किया जाएगा। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में वैक्सीन बड़ा हथियार साबित हुई है। तीसरी लहर में कोरोना के अत्यधिक प्रसार के बावजूद वैक्सीन ने काफी बचाव किया है। ऐसे में बुधवार से देश भर में 12 से 14 वर्ष के बच्चों को भी कोरोना रोधी टीका लगाया जाएगा। ज्वालापुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने रवि बहादुर ने बाजी मारी है। आपको बता दें, ज्वालापुर सीट से जीत दर्ज करने के बाद विधायक रवि बहादुर ने अपने समर्थकों के साथ दरगाह साबिर पार्क में चादर और फूल पेश कर देश में अमनो अमान की दुआ मांगी है। और इस दौरान विधायक रवि बहादुर ने कहा कि ज्वालापुर की जनता ने जो सम्मान उन्हें दिया है उस पर खरा उतरेंगे। सितारगंज सशस्त्र सीमा बल 57वीं वाहिनी मुख्यालय परिसर में 57वीं बटालियन SSB के कमांडेंट ब्रजपाल सिंह नेगी के दिशा निर्देश पर आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में देश की हिफाजत, देश की सुरक्षा विषय पर महिलाओं और बालिकाओं के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां SSB के जवानों और महिला बल कार्मिकों द्वारा संदीक्षा सदस्य महिलाओं और बालिकाओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण देते हुए आत्मरक्षा के गुण सिखाए गए। वहीं वाहिनी की महिलाओं कार्मिकों द्वारा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ से संबंधित महिला सशक्तिकरण पर आधारित विशेष नुक्कड़ नाटक का भी आयोजन किया गया। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत देश की हिफाजत, देश की सुरक्षा विषय पर 57वीं वाहिनी SSB के कमांडेंट श्री ब्रजपाल सिंह नेगी के निर्देश पर महिलाओं, लड़कियों के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण का आयोजन किया गया और महिलाओं की शिक्षा पर आधारित बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ विषय पर महिलाओं की शिक्षा पर आधारित भाषण, रंगोली एवं नुक्कड़ नाटक इत्यादि का आयोजन किया गया। इसी अवसर पर वाहिनी की संदीक्षा प्रभारी श्री राजश्री करडे एवं अन्य बल कर्मी उपस्थित। खबर लक्सर से है, जहां पुलिस ने युवक आनंद की हत्या का खुलासा किया है। जहां पुलिस ने कहा कि युवक आनंद की हत्या नहीं हुई थी, घटना की रात आनंद और उसका दोस्त चोरी करने एक फैक्ट्री में घुसे थे, जहां फैक्ट्री में चौकीदार ने अपनी लाइसेंसिंग बंदूक से फायरिंग किया था, इसी की गोली से उसकी मौत हुई थी। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर मृतक के दोस्त और चौकीदार को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया है। जानकारी में जब इन्वेस्टिगेशन में ये आई कि ये आनंद और उसका साथी संजय चोरी के इरादे से मिल में घुसे थे, मिल के जो गनर है उसने उनकी तरफ फायर किया था, जो उसके कारण वो इंजर्ड हुआ था और अधिक रस साव के कारण उसकी मृत्यु हुई है, और इसमें दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। पुलिस टीम के लिए जो है उच्च अधिकारियों ने उचित इनाम की। खबर चक्राता से है, जहां नव निर्वाचित विधायक प्रीतम सिंह अपने गृह नगर
त्यूणी पहुंचे, जहां ग्रामीणों और कांग्रेस पदाधिकारियों ने ढोल नगाड़े बजाकर विधायक का भव्य स्वागत किया। इस दौरान समर्थक जोश और उत्साह से भरे नजर आए। वहीं प्रीतम सिंह ने धन्यवाद देते हुए क्षेत्र के विकास और उन्नति की बात की और चकराता की जनता का आभार प्रकट किया। खबर हरिद्वार से है, जहां पर रोशनाबाद पुलिस कार्यालय में उप महानिरीक्षक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने बीते दिनों खड़खड़ी क्षेत्र में घर का ताला तोड़कर सोने चांदी के जेवर सहित लाखों की नकदी की चोरी के मामले का खुलासा किया गया है। जानकारी के अनुसार 9 फरवरी 2022 में अज्ञात चोरों ने घर का ताला तोड़कर पकड़े गए अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई कर न्यायालय के सामने पेश किया। बड़ी चोरी की घटना हुई थी जिसमें तकरीबन 16 लाख रुपए से अधिक का नकदी और ज्वेलरी इसमें चोरी हुई थी, और एक दो और घटनाएं भी इस तरह की इस बीच क्षेत्र में हुई थी जिनसे कि ये प्रतीत हो रहा था कि कोई गैंग इसमें सक्रिय है। तो लगातार हमारी जो कोतवाली की टीम है और जो हमारी CIU की टीम है, ये इस पर लगी हुई थी, और इसमें एक सफलता प्राप्त करते हुए कल इस घटना से जुड़े हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। एक चौथा अभियुक्त इसमें अभी फरार है, और इनसे करीब 10 लाख रुपए की ज्वेलरी कैश। और होली से पहले कोतवाली मसूरी में होली की व्यवस्थाओं को लेकर CO मसूरी पल्लवी त्यागी द्वारा मसूरी ट्रेडर्स एसोसिएशन के साथ बैठक की योजना आयोजन किया गया है, और जिसमें होली के पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने और शहर की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने को लेकर वार्ता की गई। CO मसूरी पल्लवी त्यागी ने बताया कि होली के पर्व पर शांति व्यवस्था और यातायात व्यवस्था को लेकर आज बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कहा गया कि मसूरी में सभी व्यवस्थाओं को लेकर व्यापार संघ पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग करेगा। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।